मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी कांग्रेस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए दोनों ही प्रमुख दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों और काउंटिंग में बैठने वाले एजेंट को खास टिप्स देंगे। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी है। बता दें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। इसकी मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इधर कांग्रेस ने अपने सभी 230 उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए राजधानी भोपाल में 26 तारीख को बुला रहा है। इसके लिए उन्होंने भोपाल बुलाया गया है। इस ट्रेनिंग में कैंप में सभी प्रत्याशियों को मतगणना से संबंधित जानकारियां और ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रत्याशियों के साथ में एजेंट को भी टिप्स दिए जाएंगे। उधर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने भी काउंटिंग की तैयारियों को लेकर बीजेपी ऑफिस में बैठक ली है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा और बैठक में मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में मतगणना को लेकर भी चर्चा की गई है और इसके लिए खास रणनीति बनाई गई है।